हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 327 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए इस वीडियो में 327 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 327 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से कटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यह संख्या 2 से कटेगी। तो दोस्तों, 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि 0 रहता है या 2 रहता है या 4 रहता है या 6 रहता है या 8 रहता है, तभी संख्या वह 2 से कटती है। लेकिन इस संख्या के इकाई के अंक देखिए यहाँ पर 7 है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों, 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए, इस 3 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा और 5 में इस 7 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो 12 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए यह भी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटाते हैं। देखिए, यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। यह 2 इस 3 से छोटा है, इसलिए इस 7 को भी ले लेंगे। तो 2 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम 2 अंक एक साथ ले रहे हैं, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम 0 दे देंगे। अब इस 27 को इस 3 से 9 बार में कटा देंगे क्योंकि 3वां 27 होता है। यहाँ पर 109 आ गया, तो 109 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 109 को 109 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 327 बराबर, देखिए 327 जो यह संख्या है, एक बार 3 से कटा है और एक बार 109 से कटा है। तो इन दोनों को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे, 3 × 109। तो दोस्तों, जो यह आ गया ना 3 × 109, यही इस 327 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया।